हेलो गाइस एंड वेलकम टू फैल्कन राइडर्स वंस अगेन। और अभी 15 अगस्त वाला जो वीक गया था उसे मैं ट्रिप पे था। अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि मैं एक ट्रिप पे था, फैमिली ट्रिप पे था इस बार गाड़ी से। और मैं, मेरी वाइफ और जो मेरा 3 साल का बच्चा है, तो हम तीनों ही थे। और वी कवर्ड गुड प्लेसेस, लाइक वी कवर्ड बीकानेर, जैसलमेर, लोंगेवाला, पुष्कर, जोधपुर। एंड इट वॉज़ फन, इट वॉज़ लाइक 8 डेज ट्रिप। And it was fun, it was really fun. So before I start my travel logs of you know every day where I went, what I did and you know the way I put out, जब मैं bike पे जाता हूँ तो ऐसे ही मैंने इसका भी plan किया है। पर उसको निकालने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा अपने route के बारे में और कोई important informations उन routes को लेके, like road conditions and some important stuff, वो पहले आपसे share कर लूँ, जिससे आप जब आप travel log जब देखना start करो तो आपको एक better idea हो कि हम कहाँ पर गए थे। क्योंकि शायद ट्रेवल लॉग्स में ये सब चीज़ें मैंने कहीं कहीं मिस करी हूँ, पर जस्ट टू गेट अ गुड पिक्चर यू नो, सो दैट अगर आप जाने वाले हैं, विंटर्स आने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गो टू राजस्थान, सो आप थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हो। सो लेट्स गो टू द डिटेल्स एंड ओवर टू यू मैन। एंड बहुत टाइम से हम बोर्ड पे भी नहीं गया हूँ मैं, बहुत सारे वीडियो स्टार्टिंग में मैंने बनाए थे, सो आई एम मिसिंग द बोर्ड। सो लेट्स गो टू द बोर्ड, ओवर टू यू मैन। सो वेलकम टू द बोर्ड। सो मेरा जो ट्रिप था वो स्टार्ट हुआ था आपका वैसे तो गुड़गांव से हुआ था ये वाला ट्रिप, उसको आपको जब व्लॉग्स देखोगे तो पता चलेगा कि गुड़गांव से क्यों। पर एनीवे मैं दिल्ली से स्टार्ट करता हूँ और पहली जो डेस्टिनेशन थी वो थी बीकानेर। बीकानेर दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 520 किलोमीटर्स है और यहाँ पे जाने के मेजर दो रास्ते हैं। एक तो है आपका हिसार के थ्रू होते हुए हरियाणा से, और एक जो रास्ता है जो है आपका यहाँ जयपुर वाले हाईवे से, मतलब आप दिल्ली टू ये अगर जयपुर है तो जयपुर से करीबन 60 किलोमीटर्स पहले एक जगह आती है शाहपुरा। आई डोंट नो इफ स्पेलिंग इज़ परफेक्टली राइट। शाहपुरा से रास्ता कट जाता है तकरीबन, एंड वो आपका सीकर होते हुए जाता है बीकानेर। सो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से और अप्रॉक्सीमेटली दोनों तरफ से वो है 520 किलोमीटर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था आपका बीकानेर से जैसलमेर। जैसलमेर और बीकानेर और जैसलमेर का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 320 किलोमीटर्स है। और फिर जैसलमेर से मैं गया था आपका द फेमस लोंगेवाला, ये करीबन है 125 किलोमीटर्स। फिर वापस लोंगेवाला से वापस जैसलमेर, और जैसलमेर से जो मेरा नेक्स्ट था वो था आपका जोधपुर। और सो जैसलमेर और जोधपुर के बीच का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 280 किलोमीटर्स का है। और फिर जोधपुर से मैं गया था पुष्कर, पुष्कर जो अप्रॉक्सीमेटली 220 किलोमीटर्स है, सो 220 किलोमीटर्स। और फिर पुष्कर से नेक्स्ट डे था दिल्ली। सो पुष्कर से और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स। सो मोटा मोटा ये मेरा ट्रिप था राजस्थान का, जो मेरा ये ट्रिप था इसे मैंने अपना दिल्ली से आपका बीकानेर कवर किया, जैसलमेर कवर किया, लोंगेवाला कवर किया, फिर जोधपुर, पुष्कर और वापस दिल्ली। सो अब ये तो था रूट प्लान। अगर इसके बारे में अब थोड़ा आपको पहले रोड कंडीशंस के बारे में बताता हूँ इस जगह की।
यहाँ से लेके शाहपुरा तक तो बढ़िया ही है, जयपुर हाईवे है, सो थोड़ा सा ट्रैफिक है पर रोड बढ़िया है तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। फिर शाहपुरा से जो बीकानेर वाला रास्ता है, ये वाला, ये कुछ हद तक तो डबल है, मतलब कि आपके डिवाइडर वाली रोड है, मतलब 4 लेन हाईवे, उसके बाद ये सिंगल हो जाता है। पर क्या है कि ट्रैफिक कम होता चला जाता है जैसे जैसे, मतलब इस एरिया में तो ट्रैफिक बहुत कम है और रोड एकदम सिंगल लेन भी है तो एकदम चक्कू मक्खन मक्खन रोड है, सो वो कोई टेंशन नहीं है। और अगर पेट्रोल पंप्स की बात करूँ, चलो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, तो रोड एकदम बढ़िया है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद ट्रैफिक कम होता चला गया। फिर बीकानेर से जैसलमेर की रोड तो एकदम हाईवे है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे प्लेन उतार लो लैंड कर लो टाइप से, ब्यूटीफुल रोड्स एंड खाली बिल्कुल, जो आपको मैक्सिमम दिखेंगे वो गायें दिखेंगी इस पूरे सेक्टर में ना गाइस, ये पूरा सेक्टर है, गायें इतनी है ना रोड पे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू नो, गायें 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 बहुत गायें। सो उसके बाद ये से लेके यहाँ तक रोड एकदम बढ़िया है, जैसलमेर से लोंगेवाला तक रोड एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। जैसलमेर टू जोधपुर इज़ लाइक ब्यूटीफुल रोड्स और कुछ भी बड़े सीनरी हैं, वेरी ब्यूटीफुल, जो जैसलमेर से जोधपुर है। जोधपुर से जो पुष्कर है वो ठीक है, मतलब यहाँ पे ना जोधपुर से पुष्कर जाने के लिए दो दो रोड हैं। एक होते हैं कि जो आपका ब्यावर होते हुए जो जाती है, जो आप यहाँ से जोधपुर से निकलते हो, फिर वो जो उदयपुर से नीचे से मेन हाईवे आ रहा है, नेशनल हाईवे, उसमें जाके वो जुड़ जाती है ब्यावर पे, और फिर वहाँ से आप इस वाले हाईवे पे आ जाते हो जो जयपुर जा रहा है। तो वहाँ तक थोड़ा सा ऐसे कह सकते हो रोड थोड़ी चौड़ी हो रही है, मतलब इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट एज गुड एज दीज रोड्स फ्रॉम हेयर, मतलब ठीक है, मतलब एक स्टेट हाईवे होके भी पुष्कर जाता है और एक दो रास्ते हैं जोधपुर से आप जब पुष्कर जाते हो, एक है स्टेट हाईवे होते हुए जो डायरेक्ट पुष्कर चला जाता है, एक ब्यावर से होते हुए फिर आप उसमें अजमेर एंटर करते हो और अजमेर क्रॉस करके आप पुष्कर जाते हो। तो मेरे को वो थोड़ा ट्रायल एंड टेस्टेड है तो मैं उसी रूट से गया था। ये हो गया रोड कंडीशंस के बारे में। उसके बाद आता है पेट्रोल पंप्स के बारे में। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है पेट्रोल पंप की, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली हर 30 किलोमीटर्स पे एक पेट्रोल पंप है, यहाँ से लेके यहाँ तक हर 30 किलोमीटर्स आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा। उसके बाद बीकानेर से जैसलमेर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको हर 30-40 किलोमीटर्स में अगेन आपको पेट्रोल पंप है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जैसलमेर से अगर आप जब लोंगेवाला जाएंगे तो यहाँ पे ना करीबन लोंगेवाला से करीबन 45 किलोमीटर्स पहले यहाँ पे एक जगह आती है रामगढ़। रामगढ़ ये 45 किलोमीटर्स अप्रॉक्स आना जाना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90, और अगर आप लोंगेवाला से आगे टनौट मंदिर जा रहे हो तो वो अगेन फर्दर आई थिंक 40 किलोमीटर्स और है। तो इस एरिया में पेट्रोल पंप नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, रामगढ़ में पेट्रोल पंप है, और रामगढ़ और जैसलमेर के बीच में जो अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर का रास्ता है, उसके अप्रॉक्सीमेटली बीच में करीबन 40-50 किलोमीटर बाद जब आप जैसलमेर से निकलेंगे तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है दोनों के बीच में भी। उसके बाद जैसलमेर से जोधपुर कोई इशू नहीं है, हर 30-40 किलोमीटर्स पे आपको पेट्रोल पंप्स हैं, फिर जोधपुर से पुष्कर और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट्रोल का। सो ये बात हो गई पेट्रोल पंप्स की और रोड कंडीशंस की। सो दैट्स इट गाइस, सो दैट वाज द ट्रिप, सो लेट्स गो बैक टू द अदर मी हु इज सिटिंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ दिस रूम। ओवर टू यू मैन। सो गाइज, आई होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो एंड जो इन्फॉर्मेशन्स मैंने आपको शेयर करी राजस्थान के बारे में, उससे आप शायद थोड़ा बहुत हेल्प हो आपको और आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो। कोई और अगर कोई भी बात हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड गाइज, वी आर गेटिंग क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड दिस विल बी द लाइक फर्स्ट माइल स्टोन, जो मैंने एक प्लान किया था कि यार एक 10,000 पहुँचना है पहले, उसके लिए मेहनत करनी है। मतलब मेरे को लगता है मैंने मेहनत करी है, पर बाकी तो आप लोग ही एक बेटर जज हो, और मैंने अपनी तरफ से करी, पर हाँ मैं शायद उतना नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी बाकी चीज़ों में लाइफ में बिजी हूँ अभी, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग यूट्यूब, जो भी मैं ये सब करता हूँ कोई मेरा फुल टाइम नहीं है, इट्स जस्ट कि मेरे को पैशन है और शौक है, इस वजह से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और जो भी मेरे को टाइम मिलता है एक्स्ट्रा मैं उसको किसी तरह करके आपके सामने वीडियोज़ लेकर आता हूँ। सो आई होप इसी तरह से आप प्यार और शेयर और सब्सक्राइब और ये सब करते रहें और सपोर्ट करते रहें मेरे को। एंड टिल देन टेक केयर, एंजॉय, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, हैव फन, बाय बाय।